तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला था, वो अब आपका 30 जून को होने वाला है। तो इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है जिसके अंदर जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट को डेडिकेटेड यूनिट्स हैं आपकी खंड ब के अंदर, उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम आपके दोनों ही सेक्शन मतलब खंड अ और खंड ब को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप कैसे अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो को पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सिलेबस को कवर करते हुए। तो इसमें जो दिया हुआ है जिसमें खंड अ और खंड ब देते हैं, ठीक है, तो अ वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपको एमपी जीके की यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें एमपी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। इसके लिए आप चाहें तो महेश वंडवाल की बुक के सामने देख रहे हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये अभी मेरे पास इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी आपको मिल जाता है, तो हिंदी में बुक आप ले सकते हैं महेश वंडवाल की। और साथ में अभी फोर्थ एडिशन आया है परीक्षा धाम का, तो ये फोर्थ एडिशन जो है इसके अंदर भी आप अपना एमपी जीके का पूरा पोर्शन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। तो ये हमने बात करी है एमपी जीके की, जो स्टार्टिंग की तीन यूनिट्स है उसको लेकर। उसके बाद आता है जो यूनिट फोर है, उसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उसके लिए एग्जामपीडिया की जो मैगजीन है वो फॉलो कर सकते हो, उसमें आपका पूरा ये वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं यूनिट फाइव जो कि है आईसीटी, तो आईसीटी के लिए आप साइड में भी कवर पेज देख रहे होंगे, यहाँ पर आप परीक्षा धाम की बुक फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आईसीटी का जो पोर्शन है आपका वो कवर हो जाएगा। तो ये जो खंड अ वाला पोर्शन अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये जितनी भी बुकलेट्स मैंने आपको बताई है इन सभी का सैंपल पीडीएफ आपको एमपीपीएससी स्टडी माई वे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, वहां पर भी आप मैसेज कर इन सभी की डिटेल्स जो है ले सकते हैं, साथ में सैंपल पीडीएफ भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने खंड ब वाले पोर्शन पे। तो इससे पहले भी वीडियो आया था जिसमें हमने फॉरेस्ट को लेकर जो यूनिट्स थी और बच्चे परेशान भी हो रहे थे कि हम कैसे कवर करें, तो उस समय हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर जो फॉरेस्ट की पांच यूनिट्स है उसके लिए हॉर्नबिल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके नोट्स आपको रेफर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए। उसके अलावा भी आप टेलीग्राम चैनल पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको हॉर्नबिल कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी नोट्स हैं उन सबके सैंपल पीडीएफ आपको इजीली वहां पर अवेलेबल है। ये जो मैंने आपको पांच यूनिट के लिए हॉर्नबिल का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए रेफर किया है, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको एक पूरी बुकलेट मिलती है, उसके अंदर फॉरेस्ट मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका पूरा जो संकलन है वो आपको उसमें मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट सिक्स को लेके। तो यूनिट सिक्स जो है वो है आपका रसायन, जैसे केमिस्ट्री भी कहते हैं, और यूनिट सेवन जो है वो है आपका भौतिकी या फिर फिजिक्स। तो ये दोनों यूनिट के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें दोनों ही यूनिट्स के लिए आपको अच्छे से दिया हुआ है कवरेज, यहाँ से आपका ये पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपकी यूनिट एट जिसमें हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के लिए आप ये परीक्षा वाणी का जो नौवां संस्करण है इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसमें आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम अपना यूनिट नाइन से रिलेटेड। यूनिट नाइन जो है वो आपका पर्यावरण से रिलेटेड है, जिसमें इन्वायरमेंट का फुल जो पोर्शन है वो कवर होता है। उसके लिए आप चाहें तो ये परीक्षा मंथन की जो बुक है इसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जिसे हमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कहते हैं उसका पूरा सिलेबस के वाइज ही जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आपको सिक्स सेवन एट और नाइन के लिए अभी तक कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा था तो आप चाहें तो ये सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अब यूनिट 10 के लिए, तो यूनिट 10 के लिए आप चाहें तो कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं जो वन डे एग्जाम से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों का पोर्शन आपका कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर आप बुक भी नहीं चाहते हैं फॉलो करना तो यूट्यूब बहुत अच्छा मटेरियल, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, वहां से आप अपना पूरा जो टॉपिक है एक एक टॉपिक को आप चाहो तो सर्च करके अपना पूरा अच्छे से वहां से कवर कर सकते हो यूनिट 10 का पोर्शन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना पूरा फॉरेस्ट मेंस का जो भी आपका सिलेबस था उसको कैसे कवर करें, कौन कौन से सोर्सेस से आप कवर कर सकते हो। अब बात आती है कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो देखो एमपी के लिए तो आप चाहो तो पुणेकर की बुक है या फिर टीएमएच पब्लिकेशन के एमसीक्यू की बुक को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया यूनिट 6 7 8 9 इन सब के लिए घटना चक्र की जो एमसीक्यू की बुक है वो बहुत अच्छी है। उससे फायदा ये होता है कि आपको जो व्याख्या दी होती है उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और आपको बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल डेटा जो है वो नया पता चल जाता है, तो वो आपकी एक मेमोरी के लिए अच्छी चीज हो जाती है। तो ये रहा आज का रिव्यू, इसके अंदर मैंने आपको बुकलेट्स भी शेयर कर दी है और एमसीक्यू के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया है। आप इसके अलावा अगर कोई भी टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल होती है तो उसका रिव्यू भी हम जल्द लेकर आ जाएंगे।
तो आज का रिव्यू कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डिटेल की जरूरत होती है, कोई भी फीडबैक होता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा होगा वहां से आपको ऑर्डर्स की डिटेल या फिर कोई भी परचेसिंग रिलेटेड क्वेरी होती है तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको सभी की सैंपल पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।